अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तकरीबन 9-10 शॉर्ट क्वेश्चन ये बनते हैं जो कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर क्या बनेंगे और इनसे रिलेटेड कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन से। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखिए प्रीवियस लेक्चर में 10 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे अगर याद, तो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे 11वें शॉर्ट क्वेश्चन से। तो 11वां शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है कन्वर्ट बेंजीन इनटू मैलिक एसिड। आपने बेंजीन को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, या फिर इसके मुतालिक ये भी क्वेश्चन आ सकता है हाउ बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कि आपने बेंजीन को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करना है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से, या फिर इसके मतलब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है राइट डाउन द रिएक्शन व्हेन मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर इज पास ओवर रेंडियम ऑक्साइड। कि आपने वो रिएक्शन देना है जब बेंजीन के वेपर को हम रेंडियम ऑक्साइड के ऊपर से गुजारते हैं, उस वक्त क्या रिएक्शन हो रहे होते हैं, वो यहां पर आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया। चले जी, बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन से लिया गया है। तो यहां पे हम बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाने वाले, बेंजीन क्या करवाने वाले हम ऑक्सीडेशन, और इनको मैलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। चले जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। ये है जी कन्वर्जन ऑफ बेंजीन। हम बेंजीन को कन्वर्ट करने वाले हैं इनटू किस में, मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड में, सही है। यहां पे अगर कंडीशंस की बात करूं कि कौन सी कंडीशंस का होना जरूरी है अगर आप ये वाला रिएक्शन करवाना चाहते हैं, तो इसमें जो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है वेंडियम ऑक्साइड, V2O5। वेंडियम ऑक्साइड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वेंडियम ऑक्साइड is used as catalyst। इसका हम catalyst के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और टेम्परेचर यहां पे 450 डिग्री सेल्सियस रखना है। कितना टेम्परेचर रखना है, 450 डिग्री सेल्सियस, तो बेंजीन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, सही है। When oxidation ऑफ बेंजीन, जब हम बेंजीन की ऑक्सीडेशन करते हैं, बेंजीन इज अकर्ड इन V2O5 कैटालिस्ट एट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हमारे पास मैलिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा था। देन मैलिक एसिड इज प्रोड्यूस, मैलिक एसिड इज प्रोड्यूस, तो मैलिक एसिड पैदा हो जाता है। लेकिन यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली वो रिएक्शन है। ये वर्डिंग लिखो ना लिखो ऑलमोस्ट बराबर होती है, लेकिन अगर आपका रिएक्शन सही है तो एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा। लेकिन कोशिश करो साथ वर्डिंग लाजमी लिखो, थोड़ी बहुत लिखो, जो रिएक्शन हो रहा है ना उसी के मुताबिक वर्डिंग होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन हमारे पास किस तरह होगा कि आपने सबसे पहले बेंजीन लेनी है। अब आपको पता है बेंजीन के हर कोने पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, ये हमारे पास आ गई जी बेंजीन। इसकी करवानी मैंने ऑक्सीडेशन, किसकी मौजूदगी में, V2O5 एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। वेंडियम ऑक्साइड कहते हैं 450 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर दोगे, होगा क्या कि यहां पे जो दो कार्बन है उसके साथ जो दो हाइड्रोजन है CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला इसको थोड़ा सा ना चेंज कर लेता ताकि बात समझ आए, यहां पर डबल बॉन्ड बनाता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। CH डबल बॉन्ड CH, अब ये वाली चीज बनी। अब इसके आगे क्या है जी, यहां पे एक कार्बन लगा हुआ है, एक कार्बन यहां पर लगा हुआ है, आगे C, फिर आगे C, इसमें डबल बॉन्ड O और इसमें भी डबल बॉन्ड O लग जाएगा, और यहां पर एक ऑक्सीजन लग जाएगा, और ये एक ऑक्सीजन आ गया। ठीक हो गया। इसके साथ क्या चीजें बन रही है, यहां पे दो कार्बन ये वाले और ये वाले कार्बन निकल जाते हैं, यहां पे कार्बन लगा हुआ है, इस कोने पे कार्बन लगा हुआ है, और ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देते हैं,
और यहां पर जो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहां से दो हाइड्रोजन उतरे, ये भी ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और साथ में वाटर बना देते हैं, H2O बना देते हैं। क्या बना देते हैं? H2O। अच्छा, अब ये जो चीज बनी है इसका नाम होता है मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, मतलब इसमें पानी की कमी है। एनहाइड्राइड लफज जिसमें पानी की कमी हो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूंगा। ये वाली चीज दोबारा फिर मैं एग्जैक्ट बनाऊंगा, CHC डबल बॉन्ड O, यहां पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड O, और यहां पर मैं वाटर को ऐड करूंगा H2O, और इससे मैलिक एसिड बन जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहां से, ये वाला ऑक्सीजन ऊपर जाएगा और हमारे पास बनेगा CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहां पे O आ जाएगा। देखो ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला O चला जाएगा ऊपर, ऊपर चला गया। अब देखो वाटर जो होता है, वाटर होता है HOH, ये जो H है ये आके यहां पे जुड़ जाएगा और OH आके यहां पे जुड़ जाएगा और ये जो चीज बनी ये है मैलिक एसिड। ये क्या? मैलिक एसिड। ले जी, ये तीन तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और तीनों तरह के शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा। तीनों तरह के शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगा। तो नेक्स्ट आ रही है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विद ओजोन इज रिएक्टेड विद बेंजीन, या फिर इसके मुतालिक इस तरह भी कहा जा सकता है, एक्सप्लेन ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन के ओजोनोलाइसिस को एक्सप्लेन कर दो। याद रखिएगा अल्कीन की भी ओजोनोलाइसिस पड़ी हुई है हमने, अल्कीन की ओजोनोलाइसिस अलग है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और बेंजीन की ओजोनोलाइसिस अलग है, इसको खुसूसन याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओजोनोलाइसिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन, बेंजीन के ओजोनोलाइसिस, ठीक हो गया। अब बेंजीन का फार्मूला आपको पता, मैं सिंपल वे में समझाता हूं, सही है। एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन ऑफ ओजोन, ओजोन का फार्मूला था O3 इन बेंजीन, इन बेंजीन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस, इसको ओजोनोलाइसिस का नाम दे रहे होते हैं। ओजोन को ऐड करना है हमने बेंजीन में, इस प्रोसेस को ओजोनोलाइसिस कहते हैं। जरा गौर कीजिएगा, बेंजीन का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H6, ठीक है। मैं यहां पे बेंजीन बनाता हूं, ये हमारे पास बेंजीन है, इसमें ओजोन को ऐड करूंगा O3। बेसिकली यहां पे तीन ओजोन के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं इस बेंजीन में, और बेंजीन का फार्मूला याद रखिए, बेंजीन का मॉलिक्यूल फार्मूला था C6H6, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, C6H6 तो सेम रहेगा लेकिन इसमें तीन मॉलिक्यूल ओजोन के ऐड हो जाएंगे, तीन तीन बार, 9O9 यहां पे ऐड हो जाएगा। और जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हो या क्लीविज होती है, जब बॉन्ड टूटता है, तो हमारे पास यहां पे तीन HCHO बन रहे होते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड। क्या चीज बन रही होती है? इसको फॉर्म एल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड। असल में हुआ क्या है, देखो बेंजीन है ना, बेंजीन में आपको पता हर एक, मैं यहां पे समझा देता हूं एक्चुअल में हो क्या रहा है ताकि बात समझ में आ जाए। यहां पे डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहां पे, एक डबल बॉन्ड यहां पे, सही है। और यहां पे सबके साथ एक एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, सही है। यहां पे भी एक हाइड्रोजन है, 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 मैं हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। जब पहले नंबर पे ओजोन जुड़ता है ना, ओजोन कहां पे जुड़ेगा? देखो O3 है, डबल बॉन्ड के क्रॉस जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड है, इन दो के दरमियान में डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये लो, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये लो, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये पहले नंबर पर बनता है ये वाली चीज़, सही है? और सॉरी ये वाली चीज़ नहीं बनती, मैं बताता हूँ क्या बनता है, ठीक है? अब ये वाली चीज़ बनी, देखो इसमें बेंजीन कुछ नहीं हुआ, छः कार्बन हाइड्रोजन कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हाइड्रोजन है, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ ज़रा गौर कीजिएगा, ऑक्सीजन कितने, एक दो तीन छः सात आठ नौ, नौ ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, नौ ऑक्सीजन है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास बन रही होती है वो होता है जी सी एच ओ ग्लाइऑक्सल बन रहा होता है, सी एच ओ, इसका फार्मा को थोड़ा सा ओपन करके लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये ग्लाइऑक्सल होता है, ये क्या होता है हमारे पास, ग्लाइऑक्सल। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली चीज़ यहाँ से टूटेगी, ये वाली चीज़ यहाँ से टूटेगी और ये वाला चीज़ यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, चेक करो, सी डबल बॉन्ड ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसी तरह यहाँ पे भी होगा, सही है? ये वाला निकल जाएगा, ये जिंक हाइड्रोलिसिस करवाते आगे, सही, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे एच टू ओ और जिंक की मौजूदगी में सारा काम हो रहा होता है और हमारे पास नेक्स्ट तीन मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल के बनते हैं, ठीक है? ये वाला टोटल हमारे पास रिएक्शन है, इसको गौर से देख लीजिएगा, आप अगर ये सारे के सारे नीचे वाला समझ नहीं सकते तो कम से कम ये नाम याद रखिएगा। अब इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आपसे कहेगा अगर ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कहाँ पे गया, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 12, इसमें ये भी कह सकते हैं कन्वर्ट बेंजीन इंटू ग्लाइऑक्सल, क्या आ सकता है, कन्वर्ट बेंजीन इंटू ग्लाइऑक्सल, आप बेंजीन को कन्वर्ट कर दो ग्लाइऑक्सल में, किसमें कन्वर्ट कर दो, ग्लाइऑक्सल में, ये भी सवाल आ सकता है, पास पेपर में आया हुआ है, याद रखिएगा इस तरह के सवाल पास पेपर कन्वर्जन वाले पूछे जाते हैं, जब कॉन्सेप्टिव सवाल पूछना होता है तो वो इसी तरह का पूछ रहा होता है, वरना सिंपल भी सवाल होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिंपल नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि सवाल को पूछने के तरीकेकार मुख्तलिफ हो सकते हैं, आपने सिर्फ उस तरीकेकार पहुँचना है जिस तरीकेकार से सवाल पूछा गया है, सही है? ले जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 तक, हाउ टोलुइन और इथाइल बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, सॉरी बेंजोइक एसिड, ये सवाल ही गलत है, क्या हो गया, बेंजोइक एसिड, जोइक एसिड, गिव रिएक्शन ऑफ इथाइल बेंजीन विद एसिडिफाइड KMnO4, ये दो तरह से सवाल पूछा जाता है, सही है? क्वेश्चन नंबर 13 है ये, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, बेसिकली इसकी अगर मैं हेडिंग बनाऊं तो हेडिंग बनेगी ऑक्सीडेशन, आपकी बुक में रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, साइड चेन के ऑक्सीडेशन, इसको आपकी बुक में साइड चेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हेडिंग से इसको दिया गया, साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं जी KMnO4 यूज कर रहे होते हैं, एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 यूज करके ऑक्सीडेशन करवाते हैं बेंजीन की, सही है? एसिडिफाइड KMnO4 इज यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, वाइल जबके बेंजीन रिंग रिमेन इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब वो सेम रहती है, मतलब उसमें कुछ तब्दीली नहीं आती, उसको कुछ नहीं होता। देखना, अगर मैं यहां पे गौर कीजिएगा जरा, अगर मैं बेंजीन के ऊपर कोई, देखो ये जो बेंजीन है इसके ऊपर CH3 लगा दूं, क्या लगा दूं, CH3, इस कंपाउंड का नाम होगा टोलिन, क्या नाम होगा, टोलिन। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवा दूं KMnO4 की मौजूदगी में, KMnO4 की मौजूदगी में इसकी करवा दूं ऑक्सीडेशन, तो याद रखिएगा बेंजीन को कुछ नहीं होगा, जो ऊपर ग्रुप लगा हुआ है CH3 ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, किसमें कन्वर्ट होगा, ये वाली चीज कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी और ये बन जाएगा COOH और यहां से जो हाइड्रोजन उतरेंगे ये वाटर के साथ मिलेंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, वाटर बना देंगे।
और ये वाली चीज है टोलबीन हमने किसमें कन्वर्ट कर दी है, बेंजोइक एसिड में। ये भी याद रखिएगा, अगर आपको पेपर में आ जाए कन्वर्ट टोलबीन इनटू बेंजोइक एसिड तो फिर भी सेम रिएक्शन रहेगा, आपको पता होगा कौन सी चीज ले रहे हैं और कौन सी चीज आगे बन रही है। ठीक है, अगली बात हमने दूसरा रिएक्शन करवाना है किसके साथ, इसके साथ। अब मैं लूंगा इथाइल बेंजीन, क्या लूंगा, CH2CH3। देखो ऊपर लगा हुआ इथाइल ग्रुप, ये वाला है इथाइल ग्रुप, नीचे वाली बेंजीन है, तो इसको हम नाम दे रहे होते इथाइल बेंजीन। इसकी मैं करवाऊंगा दोबारा फिर ऑक्सीडेशन KMn4 और ऑक्सीजन की मौजूदगी में। याद रखिएगा बेशक ऊपर तीन कार्बन हो, यहां पे एक कार्बन था, यहां पे दो कार्बन, मर्ज हो गया, कह रही है कि शायद प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा। बेशक ऊपर तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, जितने मर्जी कार्बन हो, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड ही बनेगा, सही है, COOH ही बनेगा, साथ में H2O बनेगा, साथ में CO2 बनेगा, सही है। यहां पर अगर मैं बात लिखूं, द प्रोडक्ट इज रिमेन सेम, प्रोडक्ट सेम रहेगा, इट डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड ही नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन चेन लेंथ ऑफ अल्काइल रेडिकल, चेन लेंथ ऑफ अल्काइल रेडिकल, ये अल्काइल रेडिकल की चेन लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ये था जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, सही है। इसमें मुख्य तरीका से पूछा था, देखो यहां पर हमारे पास इथाइल बेंजीन भी बेंजोइक एसिड में ही बदला है, सही है जी। हमारे पास साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन को कुछ नहीं होता, सही है। और यहां पर देखो ये बेंजीन आपकी कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, आपको पेपर में अब जहां तक जितने भी रिएक्शन किया है ना, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, मतलब ये क्या है, सारे के सारे यहां पर लिख देता हूं, ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अगर आपको सिंपली एक सवाल दे देते, एक्सप्लेन एनी टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, आप ये लिखो और ये लिखो, तो भी क्वेश्चन यही रहेगा, ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन एनी टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, कि कोई से दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन को एक्सप्लेन कर दो, शायद लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो भी यही लिख सकते हो, तो भी यही क्वेश्चन आप लिख सकते हो। ठीक है, चले जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। What is meant by meta directing group or write any four names of meta directing group? अब meta directing group क्या होता है, अगर इसके ऊपर पूरी लेक्चर सुनना है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये पूरे के पूरे लेक्चर्स बने हुए हैं, चैप्टर नंबर 9 की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाओ, सही है। पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया हुआ ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता क्यों है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना हमारा मतलब है, समझ आ रही है ना। ठीक है, मैं सिर्फ उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है, हम उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 14, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14, और ये है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और इसके नीचे हमने एक और शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, सही है। देखो बेंजीन होती है ना, ये बेंजीन है, इसके ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप, एक्स में कह रहा हूं, एक्स से मुराद कोई भी लगा हो सकता है, CH3 लगा हो सकता है, NO2 लगा हो सकता है, सही है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो सकता है, कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है इसके ऊपर, सही है। अब बेंजीन में ना याद रखिएगा, इस पोजिशन कहते हैं ऑर्थो, इस पोजिशन कहते हैं मेटा, ये ऑर्थो पोजिशन है, ये मेटा पोजिशन है, और ये वाली जो पोजिशन है नीचे वाली, ये वाली, ये है पैरा पोजिशन, नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, सही, मतलब जो और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ये क्या करता है, बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये पाई बॉन्ड वाले, इसको बाहर की तरफ खींच लेता है, सही है, क्या करता है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींच लेता है,
और इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को ऑर्थो पैरा पोजिशन पे कम कर देता है। याद रखिएगा मेटा पोजिशन को कुछ नहीं होता, मतलब अगर इसमें चार्ज इतना है ना, इसमें भी इतना है, इसमें भी इतना है, इसमें भी इतना है, इसमें भी इतना है, इसमें भी सेम चार्ज है, जब मतलब नेगेटिव चार्ज है सबके ऊपर इतना इतना, जब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगता है ना तो क्या होता है कि ये वाला जो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे जो चार्ज होता है ये छोटा कम हो जाता है, ये क्या हो जाता है हमारे पास इसकी मिकदार कम हो जाती है, इसकी मिकदार कम हो जाती है, इसकी मिकदार क्या हो जाएगी कम हो जाएगी सही। लेकिन मेटा पोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखना सही है। मतलब पहले नंबर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब जो बेंजीन है उसे इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। हम यही बात यहां पे लिखेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, विदड्रॉइंग मतलब खींचने वाले निकालने वाले, विदड्रॉइंग ग्रुप्स विच डिक्रीज, जो क्या करते हैं विच डिक्रीज कम कर देते हैं, डिक्रीज अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी कहते हैं दस्तियाबी को, मौजूदगी को, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इसका हम नाम दे रहे हैं इस कॉल्ड मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप सही। मतलब क्या करते हैं जी ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं सही है। इसके बाद एक और चीज जो कि आपने याद रखी, इट इज डी एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये डी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं सही है। ये क्या होता है डी एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो हम चार एग्जाम्पल कम से कम इसके लिखेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के, किसके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल एन आर थ्री पॉजिटिव, आर से मुराद अल्काइल रेडिकल, सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड एन सियानो ग्रुप, इसके बाद सी एच ओ एल डी हाइड ग्रुप। ये चार एग्जाम्पल है हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की, और इसी के साथ आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 मुकम्मल हो जाएगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है, और या फिर सवाल आपको आ सकता है राइट ऑन एनी फोर नेम्स ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप सही है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला लिख दो, सियानो ग्रुप है, एल्डिहाइड है, और ये हमारे पास अमाइन है ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, शॉर्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या है जी, व्हाट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, या फिर आपको राइट डाउन एनी फोर नेम्स ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्या जी ऑर्थो पीई आर ए पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, ऐसे ग्रुप इसका बिल्कुल ऑपोजिट, ये क्या करते थे इलेक्ट्रॉन खींचते थे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन देते हैं बेंजीन को, बिल्कुल ऑपोजिट सही है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर दोज विच, ये क्या करते हैं विच डोनेट देते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू बेंजीन रिंग एंड इंक्रीज, यहां पे क्या था लिखा मैंने डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑर्थो पैरा पोजिशन, यहां पर इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, ऑर्थो पैरा पोजिशन इसको हम नाम दे रहे हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, वो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, इस पे ये बढ़ा देते हैं सही है। और इसी वजह क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को बेंजीन रिंग को बढ़ा रहे हैं दैट्स व्हाई दे आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, दे आर एक्टिव
वेटिंग ग्रुप। इसके मैं एग्जांपल की बात करूँ, आसान आसान से एग्जांपल लिखूंगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सी एच थ्री ग्रुप, मिथाइल ग्रुप कहते हैं इसको, सही है। इसके बाद ओ एच ग्रुप, ओ सी एच थ्री ग्रुप, ई टी सी, ये सारे के सारे हमारे पास हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। हमने कितने एग्जाम्पल, एक दो तीन चार पाँच छः के एग्जाम्पल दे दिए हैं, तो कम से कम चार के नाम याद रख लेना, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो, आइडो, मिथाइल, हाइड्रोक्साइल और ये इथर होगा, सही। तो ये है जी हमारे पास ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सिंपल हमने डेफिनेशन की और एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 16। हाउ विल यू प्रिपेयर ऑर्थो नाइट्रो टॉलवीन फ्रॉम बेंजीन। आपने ये क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रीपरेशन ऑफ ऑर्थो नाइट्रो टॉलीन फ्रॉम बेंजीन। देखो क्या है, ऑर्थो नाइट्रो और टॉलवीन, टॉलवीन आपको पता है जिसको सी एच ग्रुप लगाओ, सही है, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन, इस पोजीशन पे हमारे पास क्या लगेगा, नाइट्रो ग्रुप। अच्छा सबसे पहले आपको पता क्या गौर करना है, ये कौन सा ऑर्थो है। देखो दो चीजें बेंजीन में ऐड करनी है, एक नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है, नाइट्रो ग्रुप पता ही है वाला, ये वाला नाइट्रो ग्रुप होता है NO2, और टॉलवीन ग्रुप पता ही है वाला। अब आपने पहले देखना है कौन सी चीज आ रही है, ऑर्थो तैयार करनी है, तो पहले आप चेक करोगे इन दोनों में से ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, चेक करो NO2 ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है या CH3 ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर गौर करोगे ना तो यहां पे NO2 भी लिख सकते हैं, सही है, सॉरी ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप हमारे पास यहां पे CH3 है, ये पढ़ा CH3, क्योंकि हमने तैयार करना है ऑर्थो, तो हम इन दोनों में से पहले वो चीज ऐड करेंगे जो जो क्या हो, ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप हो। सो हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टेप नंबर 1, हम बेंजीन लेंगे। आपने प्रीवियस लेक्चर में एक फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा हुआ है, सही है, वही वाला रिएक्शन करवाएंगे, CH3 Cl और Al, Cl से प्रीवियस रिएक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला CH3 बेंजीन इनके ऊपर जाकर लग जाएगा और हमारे पास जो चीज बनेगी वो CH3 यहां पर लग गया, ये है टॉलीन, ये क्या हमारे पास टॉलीन। स्टेप 2, आपने टॉलीन को लेना है, ये हमारे पास टॉलीन है, ऊपर CH3 लगा हुआ है, मैं इसकी नाइट्रेशन करवा दूंगा, HNO3 के साथ रिएक्शन करवा दूंगा, किसकी मौजूदगी में, H2SO4 की मौजूदगी में, ठीक है। अब यहां से क्योंकि ये वाला है ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन कौन सी, ये वाली, तो हमारे पास ये वाली चीज तैयार हो जाएगी, यहां पे CH3 लगा रहेगा और यहां पे NO2 लग जाएगा, ये हमारे पास ऑर्थो नाइट्रो टॉलवीन बन गया, सही है। ये है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन एंड अल्कीन है, सॉरी यहां पे अल्कीन आएगा, बेंजीन की और अल्कीन की रिएक्टिविटी को आपने कंपेयर करना है, सही है। तो यहां पर हम लिखेंगे कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन एंड अल्कीन। अब यहां पर याद रखिएगा बेंजीन, या हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन किया हुआ है, बेंजीन में 3 बॉन्ड होने के बावजूद भी ये स्टेबल होती है, जबकि अल्कीन में 1 पाई बॉन्ड होता है वो स्टेबल नहीं होती है। हमने वहां पर ये रीजन लिखी थी कि बेंजीन में 3 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो इसको स्टेबिलिटी देते हैं, जबकि अल्कीन में ऐसा सिस्टम नहीं होता, यहाँ पर डीलोकलाइज्ड नहीं होते, लोकलाइज्ड होता है पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ इसके ऊपर आके आसानी से अटैक कर देती है और इसलिए अल्कीन मोर रिएक्टिव होती है, सही है। तो यहाँ पर हम इसके कुछ बातें ये लिखेंगे, अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड
alkenes are reactive compounds because they have pi electrons. इनमें pi electrons होते हैं which are easily available, which are जो कि आसानी से मिल जाते, easily available for chemical reaction, for chemical reaction. ये chemical reaction के लिए आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा react होते हैं. While जबकि benzene is less reactive than alkene. ये alkene की इसमें कम reactive होती है because, इसकी reason बता देते हैं, because benzene रखता है delocalized pi electrons. इसमें delocalized pi electrons होते हैं which जो क्या करते हैं, increase the stability of benzene, increase the stability of benzene, जो benzene की stability को बढ़ा देते हैं. बस इतना ही लिख दोगे, बहुत है, शॉर्ट क्वेश्चन है. तो इसको आप पेपर के ऊपर लिखोगे तो ये हाफ पेज तक चले जाएगा. हमने सिंपल बात देखी है, अल्कीन की हम रिएक्टिविटी चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस कर ली है, सही है. तो अल्कीन में पाई बॉन्ड होता है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि बेंजीन में डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होता है. डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं बेंजीन की, इसी वजह से बेंजीन कम रिएक्टिव है और अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होती है. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाउ विल यू प्रिपेयर मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन फ्रॉम बेंजीन इन टू स्टेप्स. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 18, सही है. आपने प्रीपेयर, हम यहां पे करेंगे प्रीपरेशन ऑफ कौन सी चीज, मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन. मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, दो स्टेप से हमने बेंजीन से मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन को तैयार करना है. लेट्स सी, अब यहां पे हमने दो ग्रुप ऐड करना है, जरा गौर कीजिएगा. दो ग्रुप कौन से, एक मेटा है, सॉरी मेटा कह रही क्लोरो और नाइट्रो. क्लोरो ग्रुप ये वाला है, नाइट्रो ग्रुप ये वाला है. आपने पहले ये चेक करोगे तैयार क्या करना, मेटा तैयार करना है जी. आप इन दोनों ग्रुप में से देखो मेटा कौन सा है, इन दोनों ग्रुप में से आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करोगे इनमें से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, बाकी काम बात का है, सही है. अगर मैं यहां पर गौर करूं तो पता चलेगा कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो हमारे पास, यहां पर देखो ये है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो कहां पड़ा हुआ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये NO2. आप पहले NO2 को ऐड करो, देखो जो भी होगा ना ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग या ऑर्थो डायरेक्टिंग, पहले वो चीज ऐड करोगे. सो मैं पहले नाइट्रेशन करवाऊंगा. यहां पर फर्स्ट स्टेप इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ये पहला स्टेप है. आप दो स्टेप में तैयार करनी है, ये बेंजीन है, ये क्या बेंजीन, इसकी नाइट्रेशन करूंगा HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, सही है. और नाइट्रेशन होगी तो हमारे पास इसके ऊपर वाली साइड पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, यहां पे NO2 ग्रुप लग जाएगा और साथ में H2 बन जाएगा, ठीक है. ये पहला स्टेप है, सही है. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, जो ऊपर बनी नाइट्रोबेंजीन, इसकी आप करवाओगे क्लोरीनेशन. क्या करवाओगे इसकी, क्लोरीनेशन. सिर्फ एक मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा जूम मैं कम कर लूं. क्योंकि नीचे नजर नहीं आ रहा था, ठीक है, से जूम कम किया. अच्छा, क्लोरीनेशन नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन कौन सी है, ये वाली. तो इसका फार्मूला बना लूं यहां पे, मैं इसका रिएक्शन यहां पे कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए. ये है नाइट्रोबेंजीन, ये क्या हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, ये है यहां पर लगेगा
नाइट्रो ग्रुप एन ओ टू, और मैं इसकी कराऊंगा क्लोरीनेशन सी एल टू, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करूंगा वो होगा ए एल सी एल थ्री। और यहाँ पे देखो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, सही है। अब मेटा पे यहां पे जाके क्लोरीन लगेगा, ये हमारे पास बेंजीन है, यहां पे हमारे पास NO2 लगा हुआ है, मेटा पे जाके क्लोरीन लग जाएगा और साथ बन जाएगा HCl, ठीक है। ये है ऑर्थो पैरा मेटा क्लोरो, मेटा पे क्लोरो लगी और नाइट्रो बेंजीन है, ठीक है, मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, ठीक हो गया। अब आ जाओ हमारे पास नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है जी, गिव जनरल मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है आपने यहाँ पे। चलिए जी लेट्स स्टार्ट मैकेनिज्म, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19। मैकेनिज्म की हेडिंग देगी आप बेशक पूरा का पूरा वर्ड लिखोगे, मैं लिख लगाऊ। दो स्टेप में ये मैकेनिज्म होता है। स्टेप वन, यहाँ पर हमारे पास बेंजीन होती है, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा बस जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये जो बेंजीन रिंग है ये इसके ऊपर अटैक करेगी और हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है ये। और यहाँ पे हमारे पास ये वाला बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड होगा ये वाला यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा और यहाँ पे चार्ज जाएगा पॉजिटिव। स्टेप नंबर टू में हमारे पास यही वाली चीज़ जो ऊपर है इसको दोबारा फिर लिखेंगे, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे E है, यहाँ पे H है, और इसका रिएक्शन हम करवा देंगे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, बेस के साथ, मतलब बी एच कोई भी बेस होगा, बेस का मतलब होता है जिसके ऊपर चार्ज, ओ एच नेगेटिव बेस है, ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा बेस के, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेगा इसको खींचेगा एच को, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट कर देगा एच को, और ये वाला जो बॉन्ड होगा ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास बी एच बन जाएगा, मतलब जो बेस होगा ये H को अपने साथ ले जाएगा, सही है। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड कम क्यों हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ आया, ये प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड कम नहीं करता तो यहाँ पे इस कार्बन के पांच बॉन्ड बनते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसे बॉन्ड कम करना पड़ता है ये वाला, और यहाँ पे तीन बॉन्ड बन जाते हैं जिसकी वजह यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज क्वेश्चन याद रखिएगा। तो ये था ये हमारे पास आज का लेक्चर, और इसके अंदर जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। पास्ट पेपर या प्रीवियस ईयर में अगर देखे जाए तो ये पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं ये सारे के सारे, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर, इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।